वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रिवाड़ी में एक बार फिर दिया नारा कहा इस बार एनडीए 400 के पार पीएम मोदी ने गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और एम्स रिवाड़ी समेत करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों का किया आगाज राजस्थान में भी पीएम मोदी ने 17000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तरक्याती प्रोजेक्ट किया शुरू विकसित भारत विकसित राजस्थान प्रोग्राम में कहा डबल इंजन वाली हुकूमत तेज रफ्तारी से कर रही है तरक्याती काम संदेश खाली वाक्य पर एससी कमीशन ने सदर जमहूरिया को सौंपी अपनी रिपोर्ट कहा रियासत में पूरी हाल इंतहाई खौफनाक मगरीबी बंगाल में सदर राज के नफाज की सिफारिश की संदेश खाली जाने से रोके जाने पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी वापस लौटने पर हुई मजबूर राजकोट टेस्ट में भारत ने पहली इनिंग्स में 445 रन बनाए जवाब में इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 500 सौ विकेटें मुकम्मल की बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में पहली बार भारत का तंबा हुआ यकीनी खीन टीम सेमीफाइनल में दाखिल वहीं मर्दों की टीम का मुकाबला होगा जापान से आदाब नाजरीन खास खास खबरों में आपका इस्तेबाल है मैं हूं अब्दुल्ला खबरें तफसील से वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान प्रोग्राम से खिताब किया वज़िर अजम ने राजस्थान में सत्रह हजार करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का अफ्त किया और संग बुनियाद रखा तमाम मंसूबे सड़क रेलवे शमसी तोानाई बिजली की तरसील पीने के पानी और पेट्रोलियम और कुदरती गैस जैसे अहम शोबों के हैं इन मनसूबों का आगाज राजस्थान के बुनियादी ढांचे के मंजरनामे को तब्दील करने और तरक्की के मौा पैदा करने के लिए वजी अजम की बेपनाह कोशिशों की निशानदेही से होता है आज राजस्थान के विकास के लिए करीब सत्रह हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है ये प्रोजेक्ट रेल रोड सौर ऊर्जा पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं ये परियोजनाएं है। राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। मैं इन प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं वजीर आजम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान जरूरी है उन्होंने कहा कि रेल सड़क बिजली पानी वगैरह जैसी सहूलियात की तरक्की बहुत जरूरी है भारत के लिए विकसित राजस्थान का निर्माण बहुत जरूरी है और विकसित राजस्थान के लिए रेल रोड बिजली ध्यान से उधर गया पानी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का तेज विकास होना जरूरी है जब ये सुविधाएं बनेगी तब किसान पशुपालक को लाभ होगा राजस्थान में उद्योग आएंगे फैक्ट्रियां लगेगी पर्यटन बढ़ेगा अधिक निवेश आएगा तो स्वाभाविक है ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी आएगी जब सड़कें बनती हैं रेल लाइन बिछती है रेलवे स्टेशन बनते हैं जब गरीबों के घर बनते हैं जब पानी और गैस की पाइपलाइन बिछती है तब निर्माण से जुड़े हर बिजनेस में रोजगार बढ़ता है वजीर आजम ने कांग्रेस को निशाना बनाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वाहिद एजेंडा उन्हें गाली देना है जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटियां पूरी करती है तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है लेकिन ये मानते ही नहीं आज भी इनका एक ही एजेंडा है मोदी को गाली दो जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है ये मेड इन इंडिया से बचते हैं क्योंकि मोदी से बढ़ावा देता है ये वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते क्योंकि मोदी इसके लिए आग्रह करता है जब भारत पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बनता है तो पूरे देश को खुशी होती है लेकिन कांग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती वजीर आजम ने हरियाणा में इंफ्रा डेवलपमेंट से मुतालिक तमाम प्रोजेक्टों से मुतालिक नुमाइश भी देखी इन प्रोजेक्टों की कुल मालियत नौ हजार सात सौ पचास करोड़ रुपए से ज्यादा है रिवाड़ी में मुनदा प्रोग्राम में वजी अजम ने कई तरक्याती मनसूबों का अफ्त किया और संग बुनियाद रखा जिसमें उन्होंने गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा ये पांच हजार पांच सौ करोड़ रुपए की लागत से बनेगी जो तकरीबन तो अट्ठाईस किलोमीटर तवील लाइन होगी वजीर अजम ने एम्स रिवाड़ी का भी संग बुनियाद रखा यह मुल्क का बाईसवा एम्स है यह सोलह सौ करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नौ तामीर शुदा अनुभव केंद्र का भी अफ्तह किया ये स्वदेश और दर्शन योजना के तहत 240 करोड़ रुपए से तैयार हुआ है इसके अलावा रेलवे के 2500 करोड़ रुपए के मंसूबों का अफ्त किया और संगी बुनियाद रखा जिसमें लाइन को डबल करने बिजली बनाने और नई लाइन के अफ्ताह से मुतल मनसूबे शामिल थे वजीर अजम ने रोहतक मुहिम बासी अड़सठ किलोमीटर तवील रेल लाइन को वक्फ किया और रेल सर्विस को हरी झंडी दिखाई वजीरजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज अयोध्या में राम मंदिर तैयार है उन्होंने कहा कि वो लोग जो भगवान राम को ख्याली कहते थे अब वो भी राम का नाम ले रहे हैं देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन कर रहा है और तो और कांग्रेस के लोग जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए उसके खानदानी रवैये की मजम्मत की उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने खानदान को मुल्क से ऊपर रखा है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है ये बातें याद रखनी जरूरी है क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है नेता वही है नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है दर्ज फहर कमीशन के चेयरमैन अरुण हल्धर ने कहा कि मगरबी बंगाल में हालात अब ऐसे हो गए हैं कि वहां सदर राज नाफिज हो जाना चाहिए यह दरअसल एस सी कमीशन ने शिमाली परगना जिला के संदेश खाली में पेश आए वाक का नोटिस लिया और उस जगह का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है फिलहाल ये रिपोर्ट खुफिया है कमीशन ने यह रिपोर्ट सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है और कहा है कि रियासत में सदर राज नाफिज करने जैसी सूरत हाल है कमीशन ने वहाँ की सारी सूरत हाल की वजाहत करते हुए कहा कि संदेश खाली में हर तरफ दहशत का माहौल है पुलिस सिर्फ तृणमूल लीडरों को तहफ़ फ्राहम करने में मसरूफ है कमीशन के लोग वहां गए थे लेकिन पुलिस ने उन्हें मुतासरीन से मिलने नहीं दिया किसी तरह टीम के अफराध घर वालों से मिले पुलिस को कमीशन का एहतराम करना चाहिए था पुलिस ऐसे काम कर रही है जैसे वो किसी पार्टी के लिए काम कर रही है पुलिस के लिए नहीं उन्हें हमारे साथ ताउन करना चाहिए था लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया संदेश खाली वाके पर बीजेपी लीडर दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि यह मगरबी बंगाल के लिए एक अफसोसनाक वाकया है और यह हमें नंदीग्राम की याद दिलाता है बंगाल के लिए मैं समझता हूं बहुत ही दुखद घटना है संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम और जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है मैंने जो नंदीग्राम में देखा कि लेफ्ट फ्रंट के लोग खुद बाहर निकल आए थे और वो आंदोलन लेफ्ट फ्रंट का था टीएमसी की मदद की थी आज उल्टा हो रहा है आज जो साधारण जनता टीएमसी को सपोर्ट भी कर रही थी डर के मारे उनको डर चला गया और बाहर निकल आए अब मरकजी हुकूमत और किसानों के दरमियान बातचीत का चौथा दौर इतवार को चंडीगढ़ में शाम छह बजे होगा कल देर रात तक हुई मीटिंग में फैसला हुआ कि के अगले दौर में दो बारह बातचीत होगी इस मीटिंग में मरकजी वजीर पीयूष गोयल अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने मरकजी हुकूमत की जानव से पंजाब के वजीर अला भगवंत मान के साथ शिरकत की इससे कबल किसानों और हुत के दरमियान आठ और बारह फरवरी को बातचीत हुई थी जिसमें किसानों ने अपने मुतालबात से पीछे हटने से इनकार कर दिया था हुकूमत ने कहा कि वो कम अज कम इमदादी कीमत एमएसपी पर जल्दबाजी में कोई कानून नहीं बत, बनाना चाहती लिहाजा फिलहाल हुकूमत और किसानों के दरमियान मीटिंग के चौथे दौर की बातचीत के हवाले से इतफाक हुआ जिसके लिए इतवार का दिन किया गया है। किसान यूनियनों ने आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है इस अपील के बाद डी न्यूज की टीम ने दिल्ली के गाजीपुर फल और सब्जी मंडी का जायजा लिया जहां भारत बंद का कोई असर नजर नहीं आया बाजार में फलों और सब्जियों की आमद रोज की तरह मामूल के मुताबिक जारी रही डीडी न्यूज की टीम ने किसानों के भारत बंद के हवाले से बाजार में फल और सब्जी फरोख्त करने वालों और खरीदारों से बातचीत की जो भारत का है, है। एक साइड का जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब साइड में वो आंदोलन हजार पाँच सौ में लेने वाले बैठे हैं टाइम पास हो रहा है खाना पीना, दोटी सब मिल रहा है, है। यूपी में को नहीं प्रभाव है नहीं कोई असर नहीं है माल पूरा आ रहा है कोई भी नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी नहीं है सिर्फ लोगों ने बदनाम कर रखा है कुछ नहीं सरकार को गवर्नमेंट को ये असर तो कोई दिखाई नहीं दिया इसका सभी गाड़ियाँ आ रही है जा रही है ट्रक भी आ रहे हैं लोग काम भी कर रहे हैं और सभी लोग आ जा रहे हैं बंद, बंद का तो कोई फर्क यहाँ नहीं दिख रहा है नहीं आवक पर तो कोई फर्क नहीं इसी वजह से हमारी मंडी में माल मद्दा है किसानों का माल का पैसा दाम कम जा रहा है रोजाना सफर करने वाले मकामी लोगों ने बताया कि भारत बंद से ट्रैफिक मुतासिर नहीं हुआ है कोई ऐसा असर नहीं दिखाई दे रहा नॉर्मल है सारा तो आप देखेंगे कि नीचे वाले एरिया से कुछ जाम निकल जाता था कुछ इससे निकलता था अच्छा। पर ऐसा कोई जाम है नहीं है बट ठीक है नॉर्मल है बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक है जैसा डील रहता है इससे भी ज़्यादा होता है इस रोड पर तो हाँ हाँ। आज तो फिर भी कम है यहाँ पर तो नहीं है फिलहाल गाड़ी फिर बॉर्डर पर आगे हो सकता है बहुत बड़ी मुसीबत है अनावश्यक सरकार हर तरह से हर स्तर पर बात करना चाहती है और बहुत कुछ करने के लिए तैयार भी है लेकिन पता नहीं कैसी जिद है अब उनका आंदोलन पहले भी उन्होंने किसानों पर आंदोलन अपनी प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं हमने अब उसका हिस्सा दो मुआवजा दो अतुल तो वै इनकी बात भी गलत है ना ये राजनीति के हिसाब से काम चल रहे हैं खुद सोच लो सरदार बैठे सारे पंजाब से सरदार बैठा है उस साइड का बैठा है इस साइड यूपी का नहीं बैठा आलू कौन सी गाड़ी रुक गई है अगर सारा किसान पंजाब का रुक गया है तो आलू आना बंद हो जाना चाहिए सारा हरियाणा का आलू आना बंद हो जाना चाहिए ये 40 गाड़ी खड़ी है सामने टोटल माल प्रॉपर माल मंडियों में पहुंच रहा है किसान आंदोलन सही नहीं है किसानों की वजह से टिकड़ी बॉर्डर पर बंद का असर आज भी नजर आ रहा है किसान तंजीमों की तरफ से भारत बंद की अपील के साथ टिकड़ी बॉर्डर पर बोर्ड के इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा के वालदेन भी परेशान दिखाई दे रहे हैं वालदेन का कहना है कि खौफ का माहौल है इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर आए हैं किसान आंदोलन के चलते टीकरी बॉर्डर आज भी बंद है और सबसे बड़ी बात है कि आज से सीबीएसई के एग्जाम शुरू हो गए हैं दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं इस समय हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद एक स्कूल के बाहर खड़े हैं आप देख सकते हैं स्कूल है और यहां तमाम बच्चे दसवीं की बात की जाए तो परीक्षा देने आए हैं लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा संकट था कि यहाँ तक पहुंचने की स्थिति कुछ बच्चों के पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है आप यहाँ पर एग्जाम दिलाने लाए हैं आपके बच्चा कौन सी क्लास में है टेंथ में में तो यहाँ पर आते हुए कोई दिक्कत हुई और किस तरीके से यहाँ पहुंचे और आप क्यों आए एग्जाम दिलाने डर का माहौल है इसीलिए बच्चे को लेकर आना पड़ा ड्यूटी छोड़ के आना पड़ा जी। और जो है जब तक जो है परीक्षा होने जाए तब तक जो है बच्चा को लेके ही जाना पड़ेगा पास में क्या कारण रहा है कि आपको यहाँ आना पड़ा है पेपर दिलाने आए हैं बच्चों को बस किस वजह से आना पड़ा आपको यहाँ पर एग्जाम आना ही पड़ेगा तो क्या बॉर्डर बंद होने की वजह से आप साथ में आए हाँ जी बॉर्डर बंद होने की वजह से ही जी। हाँ। जी बहुत जाम का समस्या है यहाँ पर और आने में दिक्कत हो रही है बसें यहाँ तक नहीं आ पा रही जैसा आप देख सकते हैं और इस वजह से थोड़ा डर का माहौल भी है बॉर्डर सील है पैदल आना पड़ रहा है आप भी किसी को लेकर आई हैं एग्जाम्पल लड़की को अपनी को परेशानी तो बहुत भैया बहुत हो रही है परेशानी जो, के का परेशा जो से वो हैं और पेरेंट्स का कहना है कि बॉर्डर बंद होने की कही माहौल है जिसके चलते उन लोगों को यहाँ पर आना पड़ रहा है कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ निशांत राय डी डी न्यूज दिल्ली किसानों के एहतजाज की वजह से टिकरी बॉर्डर बंद होने से ट्रक ड्राइवर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं उन्होंने कहा है कि वो काफी अरसे से यहाँ फंसे हुए हैं बहुत परेशानी हो रही है सर गाड़ी खड़ी कर दी है खाली करके सर वही कर रहे समस्या है ये टायर चलेगा तो हम लोग को पैसा मिलेगा वैसा तो पैसा देने वाला सरकार भी नहीं है हम लोग को बहुत तो परेशानी है गाड़ी लोड़ है मेरी कल से रात को बंद कर दी गाड़ी मेरी यहाँ खाने पीने में सब समस्या हो रही है गाड़ी को हफ्ता हो गया तेरह तरीक खड़ी है सर बात यह है भी अभी तो किसान पंजाब में हरियाणा में नहीं आए उधर नरवाना खनौरी बॉर्डर भी बंद किया शंभू बॉर्डर भी नरवाना भी बंद कर दिया नरवाना में भी गाड़ी हमारी खड़ी है एक रोड वो भी बंद कर दिया भी हमारे गाड़ी वाले को तो न परेशान उनको तो जाने आने का रास्ता छोड़ना चाहिए क्योंकि किस्त वाली गाड़ी है हमारी तो है नी बैंक वाले तो रुकेंगे बैंक की तो किस्त भर नहीं पड़ेगी अब परेशान हम हो रहे हैं नहीं तो पैसा है भी चलो कोई बात नहीं इतना पैसा है लगा के हम बैठ जाएंगे बैठे रहेंगे क्योंकि हमारे को ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि हम बहुत सुते फंसे हुए हैं जी भी गाड़ी वाले को ना परेशान करें उनको तो रास्ता निकलने के लिए छोड़ दें मुल्क सियासी जमातों को इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर मौसू हुए हैं साल 2022-23 में बॉन्ड स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा तृणमूल कांग्रेस को था माली साल 2022-23 में पार्टी की आमदनी तीन करोड़ रुपए थी जिसमें से तीन करोड़ रुपए सिर्फ चुनावी बॉन्ड से आए जो कुल आमदनी का संतानवे आचारिया चार नौ फीसद हिस्सा है आइए देखते हैं कि दीगर पार्टियों ने बॉन्ड से कितनी रकम वसूल की पार्टियों की कुल आमदनी में चुनावी बॉन्ड्स की कितने हिस्सेदारी है एमएसएमई से भारत को जीडीपी में 30 फीसद और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45 फीसद का तान हासिल है <laughs> नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बढ़ते हुए एमएसएमई और स्टार्टअप कल्चर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीशत जल्द ही बना देगा काबिल है कि नायब सदर जमूरिया दहली में पी एच डी सी सी आई के जेर एहतमाम भारत स्टार्टअप और एम एस एम ई समिट दो हजार चौबीस से खिताब कर रहे थे महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के लिए बनाई गई गायकवाड़ कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी गई है महाराष्ट्र रियासती बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन सुनील शुक्रे ने वजी आला एक शिंदे को रिपोर्ट पेश की वजीर आला एक शिंदे ने कहा कि इस रिपोर्ट को काबीना के सामने रखा जाएगा इस सिलसिले में बीस तारीख को खसूस इजलास तलब किया गया है जिसमें बातचीत होगी हुकूमत रिजर्वेशन के मसले पर मुस्बत है वजीर अला एक शिंदे ने कहा कि मराठा बरादरी को रिजर्वेशन देते वक्त और ओबीसी बी सी या दीगर बरादरियों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए इनके रिजर्वेशन में कमी नहीं होनी चाहिए इन तमाम बातों को जहन में मलहूज रखते हुए हुकूमत इस रिपोर्ट को काबी कमेटी के सामने रखेगी और वहीं उसमें बहस होगी मराठा समाज का आरक्षण देते समय ओ बी समाज जो है उस कोई पर कोई अन्याय ना हो अन्य समाज के ऊपर कोई अन्याय ना हो उनका रिजर्वेशन कम ना हो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए सरकार इस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल समिति के सामने रखेगी उसमें चर्चा होगी और उसके बाद 20 तारीख को जो विशेष अधिवेशन बुलाया है उसमें चर्चा होकर मराठा समाज को कानून के दायरे में और एक फुल प्रूफ ऐसा आरक्षण देने की सरकार की भूमिका है और मुझे विश्वास है कि इतने बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण पहली बार हुआ है और निश्चित रूप से यह फलदायी होगा दिल्ली के अलीपुर में केमिकल गोदाम में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई हादसे के वक्त गोदाम में कुछ लोग काम कर रहे थे जो अंदर फंस गए उनमें से कई अफराद की तलाश जारी है यह हादसा जुमेरात की शाम तकरीबन 6 बजे पेश आया कुछ ही देर में आग लगने के आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और आसपास की कई दुकानों और घरों को अपनी लपेट में ले लिया आग लगने से इलाके में अफरा तफरी भी फैल गई फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है जाए बखूह पर राहत और बचाव का काम जारी है जबकि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है इतला के मुताबिक पुलिस वाकई की तहकीक में मसरूफ है चार घंटे में हमने काबू पा लिया था नौ बजे तक हमारा वो हो गया था पर अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है ग्यारह लोगों की जो डेथ हो गई है लेबर थे ये अंदर ट्रैप हो गए क्योंकि पेंट की जो आग होती है वो बहुत मुश्किल से बुझती है और बिकॉज ऑफ ब्लैड जो ब्लास्ट हुआ उससे बिल्डिंग गिर गई और ये लोग टैप्ट हो गए हमने शुरू में तीन निकाले थे कल आज अगर आप देखेंगे तीन थे पर सर्च ऑपरेशन हमारे कंटिन्यू अभी भी है तो आठ बॉडी रात में और निकली बाद में एन डी आर भी आ गई थी हमारे पास और सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू और दो लोगों की ऐसे बताया जा रहा है एक से दो लोग और भी हो सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क्यादत में इलेक्शन कमीशन की टीम लोकसभा इंतबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उड़ीसा के दौरे पर है इलेक्शन कमीशन उड़ीसा के दौरे के साथ लोकसभा इंतबात के लिए रियासतों की तैयारियों का जायजा दोबारा शुरू कर रही है लोकसभा इंतबात के साथ साथ आंध्र प्रदेश उड़ीसा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में असम्बली इंतबात भी होने हैं इलेक्शन कमीशन इन रियासतों में तैयारियों का जायजा ले रहा है जहां लोकसभा और असम्बली इंतबात एक साथ होने वाले हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतबाब में मुबैना धांधली के खिलाफ सत्रह फरवरी को मिलगीर पुरन एहतजाज का ऐलान किया है पी टी आई के बानी इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद पी टी आई रहनुमा बैरिस्टर गोहर अली खान ने तमाम सियासी जमातों को एहतजाज में शामिल होने की दावत दी है मकामी मीडिया के मुताबिक पी टी आई ने उन खबरों को भी मुस्तरद कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तनखा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एम पी के साथ इतिहाद कर रही है अमरीका ने पाकिस्तान के इंतबात में धांधली की खबरों पर तशवीश का इजहार किया है व्हाइट हाउस ने कहा कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में मुजाहरों की इतलात के बाद अमरीका को पाकिस्तान के इंतबा में धमकी और वोटर्स को दबाने की इतलात पर तशवीश है अमरीका में वाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जमान जानकर बी ने कहा कि अमरीका सूरत हाल पर मुसलसर नजर रखे हुए है है कि पाकिस्तान में गुजशत हफ्ते होने वाले में किसी को वाजह अक्सरियत नहीं मिली थी याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने दो सौ चौसठ में से बानवे पर कामयाबी हासिल की थी अमरीका में वाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जमान जॉन कर ने कहा है कि कौंसिल जिन्स या किसी दीगर वजूहत की बिना पर तशद के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता वो अमरीका में भारतीय तलब पर हालिया हमलों से मुल सवाल के जवाब दे रहे थे करबी ने कहा कि इस किस्म का तशद मुल्क में नाकबिल कबूल है और बाइडन इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है कि ऐसे वाकत का अदा ना हो गुजा सात फरवरी को वाशिंगटन में एक जानलेवा हमले में जख्मों से चूर होने कुछ दिनों बाद एक इकतालीस साल भारत नजाद शख्स की मौत हो गई थी इससे कबल चार फरवरी को शिकागो में एक भारतीय तालब इलम को वहशियना हमले का सामना करना पड़ा था हमले के बाद शिकागो में भारतीय कौंसिल खाना ने कहा कि वो मुतासरा शख्स के साथ साथ भारत में उसकी अहलिया से रबते में है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के आज क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय खातन टीम ने हांगकॉन्ग की टीम को तीन से फर्से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है इस जीत के साथ ही भारतीय खुवान टीम ने एक तमगा हासिल कर लिया है यह पहला मौका है जब भारतीय खातन की टीम इस मुकाबले में कोई तमगा जीतेगी एक बार फिर पीवी सिंधु ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और लोसन यान हैपी को सात इक्कीस सोलह इक्कीस इक्कीस बारह से शिकस्त दी डबल्स मैच में तनिषा क्रिस्टो और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी ने मैच 21 10 21 14 से जीता जबकि सिंगल्स मैच में अश्मिता चलिहा ने यंग सिम ई को 21 12 13 21 से शिकस्त दी भारत ने तीन सिफर से कामयाबी हासिल की भारत और इंग्लैंड के दरमियान राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की ताजा तरीन खबरों तक इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में दो विकेट के नुकसान पर 207 रन बना लिए हैं जैक क्रॉली और बैन डकेट ने इंग्लैंड की तरफ से अच्छी शुरुआत की और टीम के लिए नवासी रन जोड़े इससे कबल भारत की पहली इनिंग्स चार रन पर खत्म हुई थी नाजरीन के साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है इजाजत दीजिए आदाब